अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत? सब लोग ठीक हैं? गुड। अच्छा, आज चार क्लिप्स हैं। एक है होम व्लॉग्स, एक है आफ्टर 1 AM, एक स्पिरिट मैन और एक असद खान का क्लिप है। तो शुरुआत करते हैं, होम व्लॉग से शुरू करते हैं और फिर कुछ बातें करते हैं। आप लोग ही बताएं कमेंट्स में, क्या आपका क्या ख्याल था? एंड टाइटल लेके कि यहाँ पे जोम्बी का ही खतरा है। जोम्बी बोलते हैं ना प्रियंका उसको? जोम्बी नहीं, जोम्बी जेड से है, जे से नहीं। पक्के तौर पे नहीं बोल सकते, जोम्बी है। बट वैसे ही यहाँ की जो अमन भाई ने जिन्होंने बताया था, उनका कहना है कि यहाँ पे जोम्बी रहता है। जोम्बी जोम्बी नहीं, वहाँ कुछ है। अच्छा, वहाँ झाड़ी में कुछ नजर आ रहा है। कैमरे तो नहीं आ रहा है। अरे, ये इसकी आंखें चमक रही होंगी, वो देखो, ये इसकी आंखें चमक रही है। कुछ जानवर है। कैमरे में नहीं आ रहा, ऐसे तो मैं देख पा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल आ रहा है। ये जॉम्बी की आवाज आ रही। कोई 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 कुछ खा रहा है ऐसा। दुबे दुबे दुबे, सुन सुन सुन, ओम आवाज आ रही है, जैसे कोई कुछ खा रहा है या आवाज निकाल रहा है। मूवीज में ऐसी दिखाते हैं जॉम्बी। ऐसी आवाज नहीं भाई, मैं आगे नहीं जाऊंगा, सीधी सी बात है। अरे, एक बार कैमरे पे क्या? नहीं 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 भाई, मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये सीरियस थिंग है। सुन सुन सुन, हम ना यहीं बैठते हैं। फिर से वही आवाज है। ओए, ऐसा लग रहा है कोई करीब आ रहा है। कैमरे गया ना यहाँ से, वहाँ पे मेरे को पता नहीं क्यों वहाँ कोई बैठा हुआ है। नजर नहीं आ रहा यार, आपने सर्कल तो किया है लेकिन कुछ नजर नहीं। अभी ये कैमरा मैंने जूम किया है, शायद मुझे तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा। आप लोगों को नजर आ रहा है? ओए 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 ओए, एक कॉन्सेप्ट अच्छा है, मज़ेदार कॉन्सेप्ट है जॉम्बीज का। मूवीज़ में आप लोगों ने देखा होगा, रियल तो नहीं होता ऐसी, मतलब फैंटेसी है, लेकिन ओम भाई ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो अब देखते हैं कौन सी टीम्स इसी को अपनाती हैं, इसको फॉलो करती हैं। यही मैंने देखा है अक्सर, कोई एक कॉन्सेप्ट अगर शुरू हो जाए तो सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, सब वही चीज़ लाना शुरू कर देते हैं, सब वही दिखाना शुरू कर देते हैं व्यूज़ के लिए। तो अब इन्होंने जॉम्बीज़ शुरू किया, अब देखते हैं आप कौन सी टीम्स जॉम्बीज़ अपनी वीडियो में दिखाती हैं। चले जी, नेक्स्ट क्लिप देखते हैं, आफ्टर 1 AM, ब्लैक मैजिक। ये लाइट है क्या? ये दो लाइट है, क्या है? अरे कोई वो पूजा करके गया है, मंदिर होगा यार। एक मिनट, लाइट खोल दो। लाइट हल्की खोली है, मेरे को दिक्कत लग रही है भाई, खोल दो ना। ज़ूम फुलाना है। अच्छा, इन्हें कुछ दरख्त के पास कुछ लाइटें नजर आ रही है, कैंडल मोमबत्ती जल रही है। बाबा, कोई पूजा हो रही है? तो नहीं है कहीं? देखो ईमानदारी से बताओ क्या कर रहे हो आप? ये हम यहाँ अपना कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हो आप? ये बाधा मत डालो, आपको करो। अरे कृष्णा दा, ये काला जादू कर रहा है। बस करो, समझा नहीं? काला जादू नहीं है ये। देखो देखो तुम कृष्णा, खुद देखो यार, उसने नींबू में कितनी कीले काट रखी है। बाय गॉड, उसके ऊपर पीटर किसी चीज पे काला जादू कर रहा है। मेरे एक बार रिश्तेदारों पे काला जादू कर रहा था और पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया था। जब बेड में पड़ा है वो बंदा। अरे ये आपका मन का बहम है, ये काला जादू नहीं है। तुम किसी की जिंदगी बनाते हो, सबकी जिंदगी बर्बादी करते हो। तुम बनाता भी है, उजाड़ता भी है। उजाड़ अभी 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 ये जो चीज तुम कर रहे हो इससे उजड़ती है ना जिंदगी। राजू नाम है। कौन राजू है? राजू कौन है? ये हम अपने उससे लिखते हैं, किसी का नाम वही। झूठ बोला कृष्णा, कसम से झूठ बोला, झूठ मां कसम। राख उनके मुंह पे मार दी। क्या हुआ यार? क्या हुआ? भाग गया। ठीक हो तुम? किस ठीक हो? अरे यार, देख नहीं भाई कुछ आंखों में यार। अरे यार, पानी है हमारे पास। अच्छा, अपेरेंटली वो बंदा काला जादू कर रहा था। ब्लैक मैजिक इसी तरह किया जाता है। जब उन्होंने एक भाई ने कहा कि आपने सुइयां गाड़ी हुई है नींबू के अंदर, लेमन के अंदर, इस तरह के तरीके होते हैं ब्लैक मैजिक के। ये तो फैक्ट है यार, ब्लैक मैजिक में इस तरह की चीज़ें, सुइयां स्पेशली इस्तेमाल की जाती हैं।
अब ये नहीं पता मुझे कि फॉर श्योर जादूगर था या उसके बेस में बैठा हुआ था, प्लांटेड भी हो सकता है ये बंदा, क्योंकि उसने एक जगह कहा कि आप बस करो, यानी आप शूटिंग करो, बस उस बंदे ने ये कहा, तो तब मुझे शक हुआ कि आई थिंक ये प्री प्लांटेड है। उन्होंने ऑलरेडी इसको कहा हुआ था कि तुम वहाँ काम करो, हम आकर तुम्हें शूट करेंगे, तो ये भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 1 AM टीम वाले ही बता सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये काम होते हैं, इंडिया पाकिस्तान हर जगह होते हैं, काला जादू करते हैं लोग, तो हो सकता है कि ये वाकई जादूगर हो। अच्छा जी, आप देखते हैं स्पिरिट मैन, यक्षिणी महाहवन टाइटल का टाइटल है। बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप सभी की कि वापस से यक्षिणी साधना करो, तो मैंने यक्षिणी साधना के साथ साथ आज एक महायज्ञ रखा है, यक्षिणी कुछ जी पूजा को है। प्रकट करूंगा सॉरी, मुझे आप डिटेल सभी के तो नहीं सामने। पता है क्या होता है, कैमरा जरा भी कट नहीं होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये कंसेप्ट और ये महायज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया है यूट्यूब के इतिहास में। अब सब करेंगे, आप देखें, आपको देखकर फिर अनुरागणी। अच्छा ये पूजा पूजा है, सोहा, नो आइडिया ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। आ गई, अच्छा उन्होंने किसी को बुला लिया है, देवी आई थिंक बोला था ना, कोई फीमेल गॉड। देखा यार इतना आसान होता है देवियों को बुलाना, वही साड़ी रेड ड्रेस का कॉन्सेप्ट। अच्छा बिल्ली कुत्तों की आवाज आ गई है, वो कुत्ते भी रो रहे हैं। अपना वो चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे, चेहरा भी दिखाए। आ गई, जहाँ ये पूजा कर रहे थे उस तरफ आ रही है, उसी इनके पास पूरा करे। अच्छा ये अपने जा रहा है, वो अब जहाँ पूजा कर रहे थे वहां पे वो ये कुछ कर रही है, कर रहा है, आई डोंट नो, नजर नहीं आ रहा भी कौन है, औरत है मर्द है, चादर ओढ़ी भी है रेड कलर की। अच्छा अब इन पे कुछ कप कपी आई हो या बेहोश हो गई, कुछ असर हुआ है इन पे, क्या हो गया, देवी ने हवन किया, मैं धन्य हुआ। अच्छा यार आप लोग ही बताएं, जो मेरे हिंदू बहन भाई हैं इंडिया से, उनको ही आइडिया हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता यार, लेकिन ये किसी किस्म की पूजा वूजा कर रहे हैं, और उसके बाद कोई आत्मा या देवी वो कह रहे थे वो आ गई वहाँ पे। यार काश कितना आसान होता ये, फिर अगर देवी देवताओं को बुलाना इतना आसान होता तो हर कोई ये करता अपने घर में बैठ के। एंटरटेनमेंट है ये, ड्रामा है, एज फार एज एंटरटेनमेंट इज कंसर्न अच्छा है, गुड, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट है। अच्छा जी लास्ट क्लिप देखते हैं असद भाई का, असद खान जो उन्होंने 27 सितंबर को एपिसोड डाली थी अपने चैनल पे। अच्छा ये पाइप मूव हुआ है, करीब से दिखा दिया, कुछ रस्सी वस्सी नहीं बांधी हुई है, आई डोंट थिंक वहाँ हवा चल रही है, क्योंकि कागज़ प्लास्टिक पड़ा है वो भी उड़ना था। अच्छा ये दरवाज़ा बंद हुआ है, ये मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, कट भी मैंने किया, असद भाई ने नहीं किया था, अंदर से वो दिखा रहे हैं कि भाई अंदर कोई छुपावट नहीं है, यहाँ भी दिखा दिया, ये इस तरफ भी दिखा दिया, कंफर्म हो गया ये वहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा ये फिर दरवाज़ा बंद हुआ है। अच्छा ये उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया असद भाई ने, कि उन्होंने फौरन ना ये इस खिड़की में से दिखा दिया, तो वहाँ से अब कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि दरवाज़ा देखें आप पहले बंद है, इन्होंने नीचे से कॉर्नर्स वगैरह कवर कर लिए, दिखा दिए कि भाई अंदर कोई नहीं है, कट नहीं किया, कुछ नहीं किया, फौरन यहाँ इस तरफ आगे दिखा दिया, वेरी गुड। ये कोई चीज़ गिरी है, आई थिंक प्लास्टिक की आवाज़ थी, पैन कर दिया, बहरहाल दिखा दिया कोई वहाँ खड़ा। अच्छा ये असद भाई कह रहे हैं ये पाइप फैला है, ये पैन कर दिया, ये पाइप तो बहुत सख्त होता है यार, इसकी आवाज़ थी पड़ा है, मैं शोर नहीं। और बहुत ही जो है वो हैरान कुन था ये पूरे, ये कैसे उड़ गया यार, ये तो भारी होता है बड़ा, असद भाई भी नहीं कर सकते कि उन्हें झुकना पड़ता, फ्रेम उनका खराब हो जाता, ये पूरे ये देखिए रीप्ले में सेफ्टी कर सकता है, लेफ्ट पे पैन कर देते असद भाई तो बेस्ट रहता है, सामने खड़ी है मैं दोस्तों बता आज के करीब से भी दिखा देते तो क्या फिर से मूव कर सकते हैं इसे। ओए ओए
वेरी गुड, बैन कर दिया, वेरी गुड। किसी ने अगर फेंका होता है, हिलाया होता है, वो फ्रेम में आ जाता। अच्छा ये फिर दरवाज़ा खुला है। देखिए दरवाजे में जाली भी है, सी थ्रू है। कोई बंदा अगर होता यार, ये दरवाज़ा कैसे खुल गया? अमेजिंग। अच्छा भाई फ़ौरन अंदर जाके ना आपको राइट पे दिखाना चाहिए था। चले एनी वे, ये तो कन्फर्म हो गया कि ये जो है वो खुल गया है, पैरानॉर्मल है। अच्छा ये दरवाज़ा भी हिलान के सामने ही। खिड़की हिली है, वेरी गुड, पैन कर दिया। जाली भी है तो किसी ने बाहर से नहीं पुश किया, बिल्कुल फ्रेम में आया, उनके सामने दरवाज़ा बंद हुआ है। पीछे कर दिया, दिखा दिया, किसी ने धक्का तो नहीं दिया दरवाजे को? कोई नहीं है, कमरा खाली एकदम। ये फिर दरवाज़ा हिला है, वेरी गुड। अच्छा यार ये होती है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, इनको इसे कहते हैं, ये जॉम्बी और ये साड़ियों में दुल्हनें आ रही हैं, ये सब बेकार चीज़ें हैं, ये सब फैंटेसी है, ये फिल्मों की हद तक ही अच्छा लगता है। लेकिन जो मैंने आखिरी क्लिप में दिखाया है, इसे रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं, जो जिन्नात करते हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा आप क्या साबित करेंगे यार? वो हर जगह कैमरा पैन कर रहे थे, हर जगह हर कमरे में दिखा रहे थे। कोई भी बंदा होता अगर ये कर रहा होता, वो फ्रेम में 100% आ जाता, 100%। कितना छुपेगा यार बंदा? और कोई कट नहीं था इस वीडियो में, जो उन्होंने जहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू की थी वो पूरी एंड तक उन्होंने कोई कट नहीं डाला। तो आई थिंक कोई अगर बंदा ये कर रहा होता तो वो फ्रेम में 100% आया था। आई थिंक ये जेन्युइन हॉन्टेड लोकेशन थी जिस घर में असद भाई गए थे, और उस जगह से भी लग रहा था क्योंकि वहाँ पे धूल मिट्टी बहुत थी, तो ऐसा लग रहा था कि लोग जो वहाँ रहते थे, असद भाई ने कहा भी था उन्होंने शायद ये घर छोड़ दिया है इसी वजह से कि उनको ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई थी। तो ज़ाहिर यार खौफ होता है, लोग फिर छोड़ देते हैं ऐसी जगह। लास्ट क्लिप वॉज डेफिनेटली जेन्युइन 100%। गुड जॉब असद भाई, मज़ा आया। आप रेगुलर नहीं डाल रहे, इंतज़ार रहेगा रेगुलर डालें प्लीज़। शरी भाई भी अपने चैनल पे अलग से डाल रहे हैं रेगुलर, तो उसे भी रिव्यू करेंगे जल्द। और चांद भाई ने लेटली नहीं डाली है, तो उसका भी इंतज़ार है, देखते हैं। आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या ख्याल था उन क्लिप्स के बारे में। चलें जल्द मुलाकात होगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।